लोग क्या कहेंगे, यह व्यापारी का बड़ा दुश्मन होता है, प्रोफेशन का, व्यापारी का दुश्मन यदि कोई होता है तो वो लोग क्या कहेंगे, तो इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनम मुख्य तज्ञ हूँ, एक बिजनेस कोच, बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल कोच, ऐसे मैं काफ़ी सारे अलग अलग व्यवसाय इस साथ में करता हूँ। जब मैं लोगों को कोचिंग करता हूँ तो सबसे बड़े विचार जो लोगों के मन में आते हैं वो है कि ये करके कुछ फायदा होने वाला है नहीं। लोग बहुत बड़े रिजाइंड हैं, निराशा लोगों में बनी हुई है, लोगों को लगता है कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, मेरे कोई सपोर्ट में आने वाला है नहीं, इसे करके कोई फायदा नहीं है, आप ये करो तो लोग ऐसे ही बोलने वाले हैं। लोग एक्नॉलेज नहीं करते, लोग प्रशंसा नहीं करते, लोग तो यही बोलेंगे कि नहीं तुमने मुझे फंसाया। इस तरह के विचार एक उद्योजक के दिमाग में आते रहते हैं। सभी लोग आज क्या है, आज सभी लोग एक तो रिजाइंड है, रिजाइंड और सिनिकल है, मतलब उनको निराशा भी है, हताश लोग हो चुके हैं, कुछ होने वाला है नहीं ऐसा लोगों को लगता है, मतलब ऊपर से भगवान भी आए तभी कुछ नहीं होता है ऐसा लोगों को लगता है, लोग लगता बहुत कॉम्पिटिशन है। फिर लोगों के दिमाग में आता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली ऑनगोइंगली विचार चालू रहते हैं, ये ऐसा हुआ क्यों, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा नहीं होना चाहिए, मगर उसने ऐसा किया ही क्यों, ये प्रामाणिकता है नहीं, ये अप्रामाणिकता है नहीं, करके कोई मतलब नहीं है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग, इस तरह के विचार कंटिन्यूअसली दिमाग में आते रहते हैं। नहीं स्टॉक अच्छा रखना, स्टॉक रखना अच्छा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रखना बुरा है, नहीं स्टॉक ज़्यादा अच्छा रखा तो प्रॉफिट ज़्यादा होता नहीं है, अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट लेना अच्छा है कि नहीं है, लोगों को फंसाना नहीं चाहिए, व्यापारी बोले तो लोगों को फंसाता है, ऐसे चालू 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 रहते लोगों के विचार दिमाग में, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये सत्य है, ये असत्य है, फंसाते हैं फंसाते नहीं, ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये सभी लोग, सभी दुनिया के लोग, ये सभी विचार इस तरह के लोगों के दिमाग में आते रहते हैं, मगर लोग ये बाहर बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि फायदा नहीं ना बोल के, कुछ कुछ होने वाला तो है नहीं ना, रिजाइन और सिनिकल है, और फिर लोग एक्सप्रेस भी नहीं है, उनके दिमाग में चल रहा है, मतलब अभी आप समझ लो कि दिमाग के अंदर भेजा में है, ये जो है बोन, ये तोड़ के यदि अंदर एक माइक्रोफोन लगा दिया और अंदर जो थॉट्स चालू है वो यदि बाहर सुनने का सोचा, एक मजाक की बात है, तो ऐसी बातें अंदर चल रही होंगी वो सुनाई आएंगी, बाहर की आप सोच भी नहीं सकते, लोग बोलते भी नहीं है, लोग एक्सप्रेस भी नहीं है, सेल्फ एक्सप्रेस नहीं है, सब दिमाग में चल रहा है, सब दब दब के दब दब के, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही है कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम लोगों को है, लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम, मैं हरदम बोलता हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो विचारधारा है, जो बिलीफ है, इतना बीच में आता है कि इससे आपके बिजनेस में तरक्की होती नहीं है, नहीं मैं पैसा मांगू अच्छा दिखेगा नहीं, मैं लोन लूँ तो अच्छा दिखेगा नहीं, मैं पैसा मांगू तो बोलेंगे देखो पैसा वैसा कर रहा है, मैं क्रेडिट कैसा मांग सकता हूँ, मैं क्रेडिट कैसा दे सकता हूँ, क्रेडिट देना ठीक नहीं है, क्रेडिट लेना ठीक नहीं है, नहीं कैश में धंधा होता ही नहीं है, चालू है विचार कंटिन्यूअसली ऑनगोइंगली, और वो आपको धंधा करने देंगे नहीं, नहीं मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मुझे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, नहीं व्यापार में तो मुझे बदमाशी करनी पड़ेगी, नहीं व्यापार में बदमाशी किया तो मुझे बहुत टेंशन आएगा, चालू है विचार, क्या है कि यदि आप ये विचार विचार करके दिमाग में रखते हो और उसको एक्नॉलेज करते हो कि विचार है, अच्छा बुरा सही गलत, क्यों क्यों नहीं, प्रामाणिकता अप्रामाणिकता, सत्य असत्य, ये सब जो दिमाग में विचार आ रहे हैं इसको बाजू में रखे आपने, और यहाँ से जाएंगे ठीक है यार जो लगता हो करेंगे, ठीक है यार जो करना चाहिए वो करेंगे, ठीक है यार कि जैसा करना चाहिए वैसा करेंगे, और फ्यूचर के लिए बिजनेस करेंगे, और दूसरा लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए बिजनेस करेंगे, कि लोगों के जीवन में फ़र्क करने के लिए बिजनेस करेंगे, यदि विचार रखते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, आपका उद्योग जो है वो एक अलग लेवल पर चले जाएगा, तो आप इसमें से बाहर रहिएगा, और ये जो है कि नहीं अच्छा दिखेगा नहीं, मतलब बुरा दिखेगा और अच्छा दिखेगा नहीं, या लोग क्या कहेंगे, ये बाजू में रखो, आपको जो लगता है वो जियो ना, आपको जिस तरह से धंधा करना है वैसा धंधा करो ना, तो आपकी तरक्की होगी,
वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।